मुझे महालक्ष्मी जी के किरदार में देखेंगे और ये महालक्ष्मी जी के लिए मुझे लगता है सभी को पता है, जैसे अगर हमारे घर में बेटी होती है या फिर हमारे घर में बहू आती है तो हम सबसे पहले कहते हैं लक्ष्मी जी आई हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है हमारे इंडियन माइथोलॉजी में, जो अब आप मुझे देखेंगे वैष्णो देवी शो में निभाते हुए। और हमारा जो शो आ रहा है वैष्णव देवी, ये शो वैष्णव जी की कहानी, वैष्णवी की कहानी पर आधारित है, जिसमें वैष्णवी का कैसे निर्माण हुआ, उनकी पूरी जर्नी कैसे रही है, माता रानी बनने तक की जर्नी, जिसमें अगर आप आपको अगर ध्यान है जैसे जगराता होता है घर में या फिर आप भंडारा कराते हो तो इसके पीछे क्या रीज़न है, वो रीज़न भी हमारे शो में बताया जाएगा कि क्यों हम जगराता और भंडारा करते हैं। सो मेरी प्रिपरेशन अगर पर्सनली आप पूछेंगे तो 2-3 बुक्स मैंने रेफ़र की थी और कब मैं मेरे घर पर, क्योंकि हम पंडित ही हैं तो मैंने मम्मी से मामा से सभी से बहुत कंसल्ट किया कि लक्ष्मी जी की क्या कहानी है वो मुझे सुनाएं, ताकि जब मैं पोर्ट्रे करूं तब मेरा जो मेरा होमवर्क है वो उस होमवर्क के साथ मैं रेडी रहूं। तो या इतना आसान नहीं है, बिकॉज़ काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं जब आप गॉडेस प्ले करते हो। तो मैं कहना चाहूँगी आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ, और जो हमारा शो आ रहा है जग जननी माँ वैष्णो देवी कहानी माता रानी की, ये नवरात्रि में आ रहा है, माता रानी का आशीर्वाद है। आप प्लीज़ अपने टीवी पे 30th of September से अपनी कुर्सी जमा के बैठ जाइए, रात को 9:30 बजे आपके अपने फेवरेट चैनल पर स्टार भारत।